बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ शॉर्ट ब्रेड कुकीज़। दो तरह की बनाएंगी, एक वनीला फ्लेवर के साथ और एक सिंपल। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये एक कप बटर मैंने डाल दिया है बाउल के अंदर, रूम टेम्परेचर पे है, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक कप जो है वो आइसिंग शुगर का जाएगा, मैंने एक कप से थोड़ी सी कम ली है। आप फुल लेना चाहें फुल ले लें, कम लेना चाहते हैं तो आप इसमें हाफ कप भी डाल सकते हैं, 3/4 कप भी डाल सकते हैं। मैं 3/4 कप ले रही हूँ। 2 कप इसमें जाएगा मैदा। 2 कप मैदे में 2 टेबलस्पून जितना हम कॉर्नस्टार्च डालेंगे इसके अंदर, और 1/4 टीस्पून नमक का जाएगा। इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल हैं, बनाना इसको बहुत आसान है, ये हर घर में होते हैं, आप किसी टाइम भी बना सकते हो। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आइसिंग शुगर और मक्खन को बहुत अच्छे से जो है वो बीट करूँगी। अभी ये उड़ेगी, थोड़ा सा मैं इसको करती हूँ। उनको साइडों से अच्छे से साफ करेंगे। अब हम मैदा डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने आइसिंग शुगर ली है, आपके पास नहीं है तो आप चीनी पीस के अंदर डाल सकते हैं। इसको एटलीस्ट हम 4-5 मिनट जो है वो बीट करेंगे। इसको बीट करते हुए 4 मिनट हो गए, बिल्कुल इतना सा मैं इसमें नमक डाल दूंगी। अब जो है वो मैदा मैं इसमें डालूंगी। उड़ेगा। इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो फिर मैं इसका दूसरा कप भी जो है वो डाल दूंगी। उसको भी हम मेयर करके रख लेते हैं। स्पैचुला से पहले थोड़ा सा मिक्स करती हूँ ताकि ये उड़े ना। यहाँ पे अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर डो को।
सारी मैंने निकाली हूँ क्योंकि हमें हाफ जो है वो वनीला फ्लेवर के बनाने हैं, तो वो थोड़ी मैं इसके अंदर रखूँगी। हम इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट या आपके पास पेस्ट है तो वो इसके अंदर यूज़ करेंगे। मेरे पास जो है वो वनीला एक्सट्रैक्ट है तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हाफ टी स्पून जितना इसको अच्छे से मिलाएंगे। मैंने कुकी शीट लेके तो उसके अंदर पार्चमेंट पेपर लगा दिए, ओवन 325 फ़ारेनहाइट पे गर्म हुआ हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मैदा स्प्रिंकल करूँगी ताकि इसको रोल करना आसान हो। अभी हमारी डो जो है वो बहुत सॉफ्ट है। देखें मेरे पास ये कुकी कटर्स हैं, ये मैं थोड़े जो है वो सिंपल जो बना रही हूँ ये थोड़े बड़े बनाऊंगी। अगर आपको लगे कि डो हैंडल नहीं हो रही है तो इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें, थोड़ी सी सेट हो जाएगी, थोड़ी सी आपको हार्ड लगेगी, फिर उसके साथ आप बना लीजिएगा। इसी तरह से मैं ये सारे जो हैं वो दोबारा बेल के इसको तो बना लूँगी। थोड़ा सा मैदा दोबारा नीचे स्प्रिंकल करेंगे। ऊपर लेवल कर देंगे ऊपर से। ये हमारी एक ट्रे जो है वो सेट हो गई है। इसको अब मैं रखूँगी ओवन के अंदर, बेक करके निकाल लेंगे। तब तक मैं दूसरी ट्रे भी रेडी करती हूँ। अब मैं ये वाला जो है ये वनीला फ्लेवर वाली जो डो बची हुई है रखी थी मैंने बना के, इसको अब मैं इस डो के साथ ही मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैदा डालेंगे नीचे,
हमारा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। ये मैं उनसे थोड़े से मोटे रखूंगी। इसे ऊपर से हम इसको लेवल करेंगे। छोटे साइज के हैं। इसी तरह से इनको भी मैं ट्रे के अंदर रखूंगी। सारे कुकीज़ मैं इसी तरह से बेल लूँगी, बेल के ट्रे के अंदर रख के फिर आपको दिखाती हूँ। हमारे कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं। मैंने ओवन से इनको निकाल लिया है। अब मैं ये दूसरी शीट जो है वो रेडी है अंदर जाने के लिए। वनीला शॉर्ट ब्रेड जो हैं वो मैं ये रख रही हूँ अंदर। इनको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ये देखें दोनों साइडों से बहुत अच्छे से बेक हो गए। थोड़ा सा ठंडे होने दूँगी, उसके बाद फिर मैं इनको निकालती हूँ। कुकीज़ का दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। मैंने इनको थोड़ा सा ब्राउन किया है ऊपर से ज़्यादा। आप अगर इतना नहीं करना चाहते तो 3 मिनट पहले निकाल लीजिएगा। इनको टोटल जो है वो 15 से 20 मिनट लगे हैं बेक करते हुए। ये ठंडे होंगे तो मैं इनको भी निकाल लूँगी। देखें सॉफ्ट शॉर्ट ब्रेड कुकीज़ रेडी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।